नमस्कार दोस्तों, खेती बाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा बादाम के विषय में। जैसे दोस्तों अभी बादाम तोड़ लिया गया है तो उसमें अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बादाम क्यों यानी कम आता है, किसी कम आता किसी के ज़्यादा, तो दोस्तों में क्या गलती हो जाती है, तो हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं बादाम अभी फुलाने लग गया है, लेकिन दोस्तों इसका भी टाइम नहीं है। इसका टाइम दोस्तों आता है यानी दिसंबर और जनवरी की, जब ठंडी ज़्यादा पड़ती है तब दोस्तों ये फुलाता है। लेकिन क्या हुआ इसमें, जैसे कि अभी पानी ज़्यादा देने लग गए लोगों से, देख रहे हैं ये भी होल है, इसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा देने लग गया, जैसे 4 दिन से 3 दिन से दे देते हैं दोस्तों, यही कमी है इसमें। दोस्तों पानी अभी कम से कम यानी मान के लिए महीने में 2 बार देना चाहिए, यानी 15 दिन से बस। अगर ज़्यादा अगर आप पानी डालेंगे तो दोस्तों ये फूल अब आ जाएगा, तो फिर यानी इसका जो दिसंबर का समय रहेगा तब फूल नहीं रहेगा, क्योंकि अभी फूल आ जाएगा तो दोस्तों इसमें पत्ती बन जाएगी। जैसे ये है इसमें पत्ती बन जाएगी, फल तो लगेगा नहीं, क्योंकि जैसे देख रहे हैं ये अभी ये फूल आ रहा है दोस्तों, इसमें फल नहीं आएगा, इसमें पत्ती बन जाएगी। जब पत्ती बन जाएगी तो दोस्तों ये पत्ती जल्दी गिरेगी नहीं, जब पत्ती गिरेगी नहीं तो दोस्तों अगला फल नहीं रुकेगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप बादाम लगाए हैं तो उस पर बिल्कुल से पानी बंद कर देना चाहिए, यानी हफ्ते में एक बार डाल दें और 15 दिन पर डालें या महीने पर डालें, जिससे मौसम आके वहाँ हो। नहीं अगर आप पानी डालते रहेंगे तो इसी तरह से दोस्तों फुलाता रहेगा और फल यानी पत्ती आ जाएगी, तो फिर आपका फल नहीं रुकेगा। क्योंकि दोस्तों इसका समय जो जनवरी दिसंबर जनवरी होता है, तो अगर आप बादाम लगाए हैं तो दोस्तों इस पर अभी पानी बिल्कुल कम कर देना चाहिए। अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पेड़ मरना नहीं चाहिए। और बाकी जो है पानी इतना कंट्रोल कर लें जिससे ज़्यादा, और बाकी जब दिसंबर या जनवरी आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे पानी कैसे देना चाहिए। अगर छोटे पेड़ हैं तो उसमें थोड़ा तरतीब कर देना चाहिए कि ताकि वो पेड़ सही हो जाए तो अगले साल फले। और आप इसमें देख सकते हैं किस हिसाब से ये है, क्योंकि जो है अभी नहीं निकला, इसका निकलना चालू हो गया है सारे में, ये जैसे ऐसा लगता है कि अभी ये फूल आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो हकीकत में फूल आ जाएगा, फिर आपका फसल पूरी बेकार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं किस हिसाब से ये है सर, अभी इसमें ऊँची आ गई है। ठीक है दोस्तों, बादाम को भी इसमें पानी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में आपका फसल पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये किस हिसाब से इसका फूल है, अभी ये फूल बिल्कुल लंगीचे, अगर इसी तरह से अगर पानी डालेंगे तो अगले महीने इसी महीने में दोस्तों ये फूल आ जाएगा, फिर इसका पूरा फसल बेकार हो जाएगा। जैसे तक किस हिसाब से निकला हुआ इसका तल्ला है, और जो पहले का था ये फुलाने लग गया, ये देखिए इसमें 4 कल्ला है, चारों अभी इसका फूल आने लग गया। तो दोस्तों पानी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, नहीं पूरा फसल आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था बादाम की जानकारी, और आज इतना ही। और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, फिर आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ओके बाय।